आज की इस करुणामाला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह को बताएं और उसको बोलें कि हे राजाओं के राजा, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू ही वो आराधना के, वो आदर की, वो महिमा के योग्य है। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर इस करुणा माला में सच्चे दिल से शामिल हो जाएं। सभी लोगों पर, आपके परिवार, आपकी संस्था, आपके जीवन पर उतरे। प्रभु आप सभी लोगों को अपनी दया और करुणा से भर दे। इस वक्त हम प्रभु के पांच घावों पर मनन चिंतन करें, उन घावों को जिसको उसने हमारे लिए
अपने ऊपर लिया। उसके घावों के द्वारा बाइबल हमें बताती है हम भले चंगे हुए हैं। उसकी स्तुति करें, आराधना करें, क्योंकि वो दयालु है, वो भला है, वो क्षमाशील है, वो सहनशील है। प्रभु आपको स्पर्श करें। बंद ना हो यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी बंद ना हो यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी, क्योंकि तू दया है, क्योंकि तू क्षमा है, क्योंकि तू मसा है। बंद ना हो आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी बंद ना हो आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी, क्योंकि तू दया है, क्योंकि तू क्षमा है, क्योंकि तू मसा है। दया है क्योंकि तू क्षमा है, क्योंकि तू मसा है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, आराधना कर। प्रेरितों का धर्म सार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8।
किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ दूंगा। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, प्रभु कहता है यर्मिया नबी के ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में, अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। इस वक्त हम इस प्रार्थना में विशेष रूप से समर्पित करते हैं अपने देश को, पूरे संसार को, देश के नेताओं, अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों को। प्रभु इन तमाम लोगों पर दया करे और पूरे संसार पर दया करे और हमारे पापों को क्षमा करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वर का तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू सर्व पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। दूसरा भेद हम समर्पित करते हैं विशेष रूप से प्रभु के सभी भक्तों के लिए। प्रभु ईश्वर ये कहता है, पश्चाताप करो, अपनी देव मूर्तियों का परित्याग करो और अपने सभी विभत्स कर्मों का परित्याग कर दो। प्रभु यीशु कहता है कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6। प्रेरितों के कार्यकलाप में प्रभु का वचन कहता अध्याय 3 अध्याय 2 पद संख्या 38 में, आप लोग पश्चाताप करें, प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इससे आप अपनी आत्मा के लिए वरदान प्राप्त करेंगे। हम समर्पित करते हैं प्रभु के चुने हुए लोगों को, लोक धर्मियों को, नवयुवक युवतियों को। प्रभु इन तमाम लोगों पर दया करें, विशेष तौर पर जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं। प्रभु इन्हें विश्वास में दृढ़ करें। आपका जवाब होगा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कर। वचन कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए, हम प्रायश्चित करें, अपने पुराने पापों का भार उतार कर फेंकें, अपने जीवन में एक नया हृदय, प्रभु कहता है मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, एक नया मनोभाव धारण करो। और ईश्वर ये कहता है कि हे इसराइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो, प्रायश्चित करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस भेद में हम विशेष रूप से
प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो ईश्वर से दूर हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करे। आपका जवाब होगा, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। चौथा भेद समर्पित करते हैं प्यारे भाई और बहनों, उन तमाम लोगों को जो निस्सहाय हैं, अत्याचार सहते हैं, शोषित हैं, सताए जाते हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, जिनका शोषण किया जाता है, गरीब लाचार सड़कों पर पड़े हुए, वो लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, जिनके तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से दया की याचना करें कि हमारी प्रार्थना को प्रभु सुन और कबूल कर और इन निसहाय लोगों पर दया कर। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में संत पौलुस हमें बताता है,
कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम उस कृपा को प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 1-2 में, हे मेरे ईश्वर, मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना को सुन। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निसहाय लोगों पर दया कर। शरण तुम्हारी आया हूँ मैं, शरण तुम्हारी आया हूँ मैं, माफ करो प्रभु, माफ करो, माफ करो प्रभु, माफ करो, तू ही माफी का सागर है, तू ही माफी सागर है, दो ही राह सत्य और जीवन है, दो ही राह सत्य और जीवन है, दया करो हे प्रभु हम पर, क्षमा करो हे प्रभु हमें, दया करो हे प्रभु हम पर, क्षमा करो हे प्रभु हमें। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12-14। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु के इस वचन की आज्ञा का पालन करते हुए हम इस वक्त सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे।
वचन हमें बताता है स्त्रोत संख्या 41 पद संख्या 4 और 5 कि प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। जो बीमार है प्रभु से कहना मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। याद रखिए प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह उनकी रोग शैया के बिस्तर को बदल देता है। इसलिए समर्पित करिए, आपके घर में यदि कोई बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, कोई धर्म भाई धर्म बहन यदि कोई बीमार है, युवक युवतियां बुजुर्ग बीमार हैं, तो समर्पित करें। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आपका जवाब होगा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता भाई बहन अधिकारियों नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को प्रियजनों को माता पिता दादा दादी नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को विशेषकर सभी दीन दुखियों निराश और हताश लोगों को शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप घमंड घृणा क्रोध गुस्सा जलन वासना कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय मन आत्मा चेतन और अचेतन मन की
सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बरछी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें। समर्पित होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने और आपको स्पर्श करे और उत्तर दे। जितने लोगों ने आंसू बहाते हुए अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना की है, प्रभु आपकी प्रार्थना सुने और पूरा करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल।
और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर और जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हे प्रभु तेरी दया की याचना कर रहे हैं इन्हें अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करने की कृपा कर। बीमारों को स्वास्थ्य प्रदान कर, निराश लोगों को आशा और शांत बना दे, पापियों को क्षमा प्रदान कर दे और जो मन के टूटे हुए हैं हे प्रभु इन पर दया करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। मेरा दिल उससे बढ़ जाता, मेरा प्रभु